22 फरवरी के लिए यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया हिंदी का पेपर। ये आपका हिंदी का पेपर है, किस तारीख के लिए? 22 फरवरी को के लिए है। जाइएगा यार, छाप देना है आपको। क्या करना है, इसे पूरा पूरा छाप देना है, क्योंकि भाई साहब जो बोर्ड देता है तो समझ लीजिए कि वहां से नंबर आप क्वेश्चन पर फंसने की बहुत संभावना होता है। 20-30% क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। जैसे जीवन परिचय में आपका फंसेगा, निबंध लेखन फंसेगा, खंडकाव्य में फंसेगा, बहादुर कहानी सारांश, पंचलाय कहानी सारांश में फंसेगा। तो यहाँ से आपके फंसने के संभावित प्रश्न होते हैं, और कुछ व्याकरण से हूबहू कई सेटों में प्रश्न पूछ ले जाते हैं। देन आप इस पेपर को करे जा लोग तैयार करना यार, एक जोश के साथ फटाफट। सबसे पहले सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चैनल को यार आई हम्बल रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब करें, क्योंकि 22 फरवरी का जो हिंदी का पेपर एकदम फोड़ना है गुरुजी, स्वामी सब एकदम तोड़ना है। कुछ भी हो जाए हम तोड़ेंगे गुरुजी, छोड़ेंगे नहीं। समय 3 घंटे 15 मिनट का देंगे, जैसा कि बोर्ड ने दिया है। 100 में से 33 नंबर पास होने के लिए कंचन क्या है, पास होने के लिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत यार, पता है आज वीडियो लेट क्यों गई, मैं अपना एग्जाम हो रहा है मेरा, इस समय सो गया था आने के बाद। भाई साहब मैं सो गया, अब उठा मैं 6 बजे, मैंने सोचा यार ये तो रात हो गई है, लेकिन जब उठा तो मैं सॉल्ट हो गया कि मुझे भी पढ़ाना भी है। बस अभी तुरंत वीडियो ही रिकॉर्ड हो रही है आप सभी के लिए, ठीक है ना? और इसके बाद अब आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, पूरा का पूरा आपको देने वाला हूँ हिंदी का पेपर। आप लोगों ने एक बार शेयर नहीं किया है यार, फटाफट से आप लोग क्या करिए, शेयर कर दीजिएगा, क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है, शिक्षा का उद्देश्य की निबंध के लेखक कौन है, तो संपूर्णानंद है। कौन है? संपूर्णानंद है। कौन है? संपूर्णानंद है, शिक्षा उद्देश्य की निबंध के लेखक है, ठीक है ना? अब फटाक से इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ है। यहाँ पे सुख सागर सॉरी लल्लू लाल की रचना कौन सी है, तो लल्लू लाल की रचना है करेजा प्रेम सागर। कौन है? प्रेम सागर गुरु जी, लल्लू लाल है, लल्लू लाल दिखे प्रेम सागर लगा दीजिएगा। पर्दा कहानी के लेखक कौन है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल है, कहे भाई साहब ये यशपाल है। तैयार कर लीजिए, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ये पेपर है, और बड़ा कर दे क्या सही से, अब आपको दिखाई दे रहा सही से, हाँ बताना जितना बड़ा चाहिए यार, इसीलिए तो डिजिटल बोर्ड लेकर आए हैं, इसीलिए तो करेजा लोग आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में पढ़ाता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यार, आपको दिक्कत होगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है तीसरा वाला यार थोड़ा यार इसको नीचे आ जाए, तीसरा वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है आपका, कहाँ पे है, यहाँ पे। पर्दा कहानी के लेखक कौन है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो पर्दा कहानी लेखक है यशपाल। कौन है? यशपाल जी जो है पर्दा कहानी के लेखक है। कौन है? पर्दा कहानी के लेखक है। आवारा मसीहा के रचनाकार है, आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार है। एक आठ गलत हो जाए तो ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर अगला है, यहाँ पे ये वाला है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। जो बाण भट्ट की आत्मकथा यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी है यहाँ पर? वो है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे दूसरा का क है, दूसरा का क क्या है? कामायनी किस युग की रचना है, तो जो कामायनी है यह आपके युग है छायावादी युग की रचना है। कौन सी युग की है? छायावादी युग की रचना है। छाप लीजिए ख वाले का, आप लोग खुद जल्दी आंसर दीजिए, आप लोगों का डायरेक्ट आंसर आना चाहिए ख का, ख का आंसर आप लोगों का जाना चाहिए। क्या होगा ख का आंसर? यहाँ पर है आपका, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के है। कौन है? प्रगतिवादी युग के है। यहाँ पे ग वाला है, ग वाला क्या बोल रहा है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बोलो फटाफट, 1934। बहुत बढ़िया, आप लोगों का बहुत प्यारा कमेंट आ रहा है यार, बहुत ही। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, तैयार करके रखना है, एकदम तोड़ना है इस बात जाके गुरु जी। अगला प्रश्न है यहाँ पे द्विवेदी युग की रचना नहीं है, कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो गुरु जी कौन कौन सी काम द्विवेदी युग की रचना है? प्री प्रवास है, साकेत है, भारत भारती है। एक क्वेश्चन आपके नाम, एक क्वेश्चन आपके उनके नाम छोड़ दे रहे हैं,
करके कमेंट करो यार, आप लोग करके कमेंट करो। गुरु जी कौन है क्वेश्चनवा, अष्ट छाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है, राम भक्ति या ज्ञानाश्रय या कृष्णाश्रय या फिर प्रेमाश्रय शाखा से, तो इसको आप लोग खुद करेंगे, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, खुद करेंगे। भैया बहुत बड़ा हो गया था, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। गुरु जी अब हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, अब हमें बड़ा नहीं चाहिए, इतने में हो जाएगा काम ना। चलिए बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को ना, बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। चलिए अब यहाँ पे आपका तीसरा नंबर आएगा क्या, गद्यांश। देखिए गद्यांश आएगा पेपर में, यहाँ पे क्या आया 10 नंबर का, ये आपका एकदम वायरल वाला मॉडल पेपर है, बोर्ड ने जारी किया है। भाई साहब जो बोर्ड में जारी किया है उसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, तैयार हो जाएगा यार, कुछ है ही नहीं इसको। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, मैंने कई बार बताया है इसको, बोर्ड ने भी वही दिया, उससे कौन परिचित होना चाहेगा, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया है, सजाया है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या है, आवश्यक है। सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी ये कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, तो मैं आपको बता दूं ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से, कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद धरती माता वसुंधरा क्यों कहलाती है, क्योंकि धरती माता को भी अमूल्य निज्ञा भरी है, उसी कारण वसुंधरा कहलाती है, दूसरे का आंसर यही है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दो, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, जहां पर पृथ्वी की देह को सजाया है, देखिए सजाया है, कौन सजाया है, पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, यार मतलब पढ़ के आंसर दे दू, ये 10 नंबर फ्री का लेके जाओ, चिंता मत करो। अभी अभी आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कुछ बच्चे, कर लो भाई कर लो यार, क्या करे जा, ऐसे करेंगे। भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए, तो भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है, मतलब यार उंगलियों पे आंसर देंगे यार, अभी क्या देखें, सब कुछ करवा देंगे, चिंता मत करो आप लोग, चिंता मत करिए आप लोग। अथवा मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर चाचा ये दिए हैं, अशोक के फूल से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है अशोक के फूल, कहेंगे गुरु जी आप तो अंतर्यामी हो गए हैं, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, अरे कुछ भी अंतर्यामी नहीं है यार, आपको भी मैं ये ज्ञान दे दूंगा हवेली पे कभी, हवेली क्या है, एसकेएम स्टडी, ठीक ना, इस पर आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ज्ञान, कैसा ज्ञान मिलेगा, अशोक का फूल आपको पहले दिखाई दे दिया तो गुरु जी अशोक के फूल ही से तो लिया गया है, अरे राष्ट्र शब्द लिखा है तो राष्ट्र के स्वरूप से ही तो लिया गया है, ये सब छोटे छोटे टिप्स होते हैं यार, वही आपको टिप्स अपनाना है। और अच्छा अशोक के फूल के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अब इसको देख लेंगे, 5 प्रश्न यहाँ से बने कर ही लोग यार, इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद 10 नंबर का क्या आएगा, पद्यांश आएगा, देख लीजिए 10 नंबर का आपके पेपर में ये पद्यांश आने वाला है, ये आप पद्यांश देख लीजिए, बोर्ड ने जो बताया वही मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आने वाले वीडियोज में इसका मैं सोल्यूशन करवा दूंगा, मान जी वो नहीं आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, इसको मैं आपको पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, पवन दूतिका चैप्टर से है, क्यों, क्योंकि आप देखिए लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे होने देना विकृत वसना तो न सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हो वह गोद ले शांति खोना और होठो की और मुख की मैलताएं मिटाना, तो ये है पवन दूतिका से, ये भी मैं करवा दूंगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, आने वाली वीडियोस में मैं करवा दूंगा, मैंने कहा सबसे पहले जो बोर्ड की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है आप सभी को दे दे, बहुत बच्चों के पास अभी तक ये वीडियो पहुंचा नहीं था, अब पहुंच जाना चाहिए, बाकी की जिम्मेदारी आपकी है, आप शेयर कर करके इसे पहुंचाएंगे सभी बच्चे के पास, जो 20 लाख बच्चे बैठेंगे 30 लाख बच्चे। अब यहाँ देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियां, ये लेखक तैयार होना चाहिए यार, ये लेखक आपको रटना होगा, आपको रटना होगा, एकदम वायरल वाला है ये, आपका क्या है, वायरल वाला है, आप लोग वायरल खूब ढूंढ रहे हो, एसके मिश्र ऐसी सब वायरल वायरल चीज देगा ना, एकदम कहोगे कि गुरु जी एकदम तो हम परेशान हो गए, तो ये आपको रटा रहना चाहिए, इससे बाहर गारंटी है, 100 नहीं दूंगा, 502% मैं दूंगा गारंटी, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यही पूरे पूरे आपके जीवन परिचय दिखेंगे, लिख लो गारंटी के साथ।
कभी का भी फिक्स कर लो। मैं बोला था ना, जो बोर्ड पेपर जारी करता है उसमें 20 से 30% क्वेश्चन फंसते हैं, 5 से 2% गारंटी मैं दे रहा हूँ पेपर में यही आएगा। मैथिली सरगुप्त, सुमित्रानंद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा को अगर याद करना है तो उनका भी याद कर लीजिएगा। बस बहादुर कहानी, ये देखिए आप लोग, पंचलाइट और बहादुर कहानी का उद्देश्य अथवा सारांश आपके पेपर में आता है, आप इसको तैयार करेंगे, रटिए। आप क्या करिए, रटिए, आपको रटना होगा, रटना होगा। आप अगर ये इसको रट लिए तो ये आपका पास नंबर पक्का होगा। स्वपठित खंड काव्य, ये आपके जिले के अनुसार आएगा, हम आपके जिले के अनुसार करवा देंगे। और मैं चाहता हूं कि आपका प्यारा सा नाम और आपका जिला एकदम नीचे कमेंट में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको ही रोशन करना है अपना नाम और अपने जिले का नाम यूपी बोर्ड में टॉप करके। तो ये आपको स्वपठित खंड काव्य आपको तैयार करना है। श्रवण कुमार का, रश्मि रथी का, और किसका भाई, त्यागपथी का, आलोक वृत्त का, सत्य की जीत, इस पर खंड काव्य। उसके बाद देखिए ये आपका रहेगा गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश 7 नंबर का रहेगा। ये दोनों गद्यांश तैयार कर लीजिएगा, ये दोनों गद्यांश तैयार कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड में 7 सेट फंसते हैं, 7 सेट बनते हैं, उसमें किसी न किसी में एक फंसेगा, यानी 7 सेट गुरु जी फंसवाएंगे, हम कुछ भी हो जाए ठीक है ना, तो उसमें किसी न किसी एक सेट में फंसेगा, इसको तैयार कर लीजिए। और इसी प्रकार ये श्लोक यानी कि पद्यांश को भी तैयार कर लेंगे, ये वाला, ये दोनों आप लोग तैयार कर लीजिएगा ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका मुहावरा, देखिए आपके मुहावरा है तलवार की धार पर चलना, मैंने बताया था, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, बताए कितने सिंपल सिंपल है यार, पेपर में दिया गया है, इसको तो हो ही जाएगा। गुरु जी तलवार की धार पर चलना मतलब कि मतलब बहुत ही बारीकी तरीके से काम करना, टका सा जवाब देना मतलब करेक्ट तुरंत जवाब दे देना, दाल में काला होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, या आप कर ही लोगे। उसके बाद ये इस बार पेपर में आएगा आपका क्या, अपठित गद्यांश, इसका स्टोरी हम लोग खुद बनाएंगे, आने वाली वीडियो में इसको करवा दूंगा, अभी आप चिंता मत करिएगा। काम करते, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल एसटीएम स्टडी पे भिजवा देंगे, और एसटीएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दे रहा हूँ, जाकर आप लोग ज्वाइन करिए। एसटीएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वहां पर इसका पीडीएफ मैंने पहले भेज दिया है, आप लोग कर लीजिएगा। अभी इसको भाई साइड में रखते हैं, ये तो हो ही जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सदयुग, मैंने कई बार करवाया यार 2 नंबर का सदयुग, वसन और व्यसन, वसन मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है, व्यसन मतलब आदत होती है, क्या होती है, आदत होती है। इसको मैं कितनी बार करवाया हूँ आप खुद बताइए। अंबुज और अम्बुद, तो अंबुज मतलब क्या होता है, कमल और बादल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमल और बादल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका दो अर्थ लिखने के लिए अंबर पट विधि और नाक, करवा देंगे इसका, मैं कल सोल्यूशन लेकर आऊंगा। जो आंख के सामने हो उसे क्या कहते हैं, नेत्र सम्मुख बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु रखते हैं। उसके बाद शुद्ध करके आएगा लिखने के लिए, ये तो आप कर लोगे, इसकी चिंता मत करना, चार्ट पे 2 टू करना रहेगा। ये देखिएगा, ये देखिए, रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार इंपॉर्टेंट है, रट लो इसे, इसे रट लीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो आज रात को आप इसे रट लो, सोने से पहले आप लोग एक डोज लगाओ रस छंद अलंकार का। भाई किताब खोलेंगे गुरु जी अपना, जो क्वेश्चन बैंक है घोट के पी जाएंगे, नहीं तो मैंने पढ़ाया भी है ठीक है ना। उसके बाद पेपर में आएगा आपका पत्र लेखन, देखिए पत्र लेखन, यहाँ क्या, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लेखन लिखिए, 6 नंबर का है। अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान खींचने के लिए एक आप पत्र लिखिए, तो आपका कितना नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। तो इसको तो कर ही लिए होंगे, नहीं तो आने वाली वीडियोज में इसको मैं करवा दूंगा, जब इसका सोल्यूशन दूंगा ना कल दूंगा, हो सके कल, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसका सोल्यूशन मैं करवा दूंगा ठीक है, वहीं पे आप इसको दे देंगे। फिर यहाँ पे आपका निबंध लेखन आएगा, देश में बेरोजगारी, आतंकवाद, वृक्षारोपण, विद्यार्थी और राजनीति, और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो ये आपके 5 ही निबंध लेखन आएंगे। तो ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है 22 फरवरी के लिए हिंदी का, आप इसे तैयार कर लीजिए। जहां कोई दिक्कत आए, कोई चीज ना नहीं समझा रहे तो कमेंट करिए, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।